भीषण हादसे में दो मासूम सहित तीन की मौत। बाइक सवारों को पिकअप ने मारी टक्कर, परिवार में मचा कोहराम। यातायात माह में भी सड़कों पर नियमों को दरकिनारा कर रहे वाहन चालकों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है। दिन प्रतिदिन सड़क हादसों में हो रहे इजाफे के बाद भी दोपहिया वाहन चालक सचेत नहीं हो रहे हैं। खुर्जा देहात क्षेत्र में बाइक सवार पांच लोगों को पिकअप गाड़ी ने टक्कर मार दी। महिला व उसके 2.5 वर्षीय बेटे और 2 वर्षीय भतीजे की मौके पर मौत हो गई, जबकि मृतका की ननद व भतीजा गंभीर रूप से घायल हो गया, जिन्हें गंभीर हालत में कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बाइक पर दो मासूम, दो महिलाएं और युवक सवार थे। बाइक सवारों ने हेलमेट भी नहीं लगाया था। शिकारपुर थाना क्षेत्र के गांव करोली निवासी 35 नूरजहां, पत्नी रहीस, अपने पुत्र 18 अनस, 2 वर्षीय बेटी अक्सा के साथ शुक्रवार को खुर्जा देहात क्षेत्र के गांव इस्लामाबाद निवासी अपने भाई साबिर के यहां आई थी। यहां से वह सभी बाइक पर सवार होकर अपनी भाभी रेशमा व उसकी 3 वर्षीय बेटे सोहेब के साथ जिला अस्पताल में भर्ती रिश्तेदार को देखने के लिए गए थे। सड़क पर सवार होकर देर शाम इस्लामाबाद दौड़ते समय अलीगढ़ बुलंदशहर हाईवे पर गांव अगलाव फ्लाईओवर के निकट पहुंचने पर सामने से तेज गति से आ रही पिकअप ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी। बाइक को अनस चला रहा था, जिसने हेलमेट नहीं लगाया था। हादसा होते ही बाइक सवार दोनों मासूम सहित सभी लोग सड़क पर जा गिरे। इसमें रेशमा और उसके बेटे सोएब की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि रेशमा की भतीजी अक्षरा, भतीजे अनस और ननद नूरजहां को खुर्जा नगर स्थित कैलाश अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ अक्षरा को भी चिकित्सकों ने मृतक घोषित कर दिया है। अनस व नूरजहां को गंभीर हालत में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कर स्वजन को सौंप दिया है। वहीं पुलिस आरोपित वाहन व चालक की तलाश कर रही है। बुलंदशहर से इकराम खान की रिपोर्ट। सर, एक्सीडेंट में बाइक सवार दो बच्चों की और एक महिला की मौत हुई है, सर क्या पूरा मामला है? ये थाना खुर्जा देहात जनपद बुलंदशहर से संबंधित प्रकरण है। थाना खुर्जा देहात में बीती रात एक परिवार जो बाइकों पे सवार होकर आ रहा था, उन बाइक का और एक छोटा हाथी का एक्सीडेंट हो जाने के कारण बाइक सवार कुल 3 व्यक्तियों की मौके पे ही मृत्यु हो गई। मृतक व्यक्तियों का पंचायतनामा भर के PM के लिए डेड बॉडी को भेज दिया गया है। इसमें कुल 3 व्यक्ति और घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है अस्पताल में, और इसमें अभी परिजनों से कोई तहरीर प्राप्त नहीं हुई है। तहरीर प्राप्त करने के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी।